इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म लंदन ड्रीम्स के अपडेट्स। ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है जिनका नाम है शफीउद्दीन। तो आइए जानते हैं लंदन ड्रीम्स रिलीज हुई थी 30 अक्टूबर 2009 को। फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था और जो इसके प्रोड्यूसर है उनका नाम है विपुल शाह। इसके राइटर की बात करें उनका नाम है सुरेश नय्यर और रितेश शाह। आ जाते हैं कास्ट पर। इसमें सलमान खान, अजय देवगन, आसिन, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर और ओम पुरी लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसका बजट है 61 करोड़ का। कलेक्शंस की बात करें तो डे 1 पर 4 करोड़ 95 लाख की ओपनिंग कलेक्शन की थी इंडिया की। फर्स्ट वीक में 22 करोड़ 2 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 28 करोड़ 96 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 39 करोड़ रुपीस का रहा था। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 6 करोड़ 35 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 45 करोड़ 35 लाख रुपीस का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि लंदन ड्रीम्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। कलेक्शंस की बात हो गई, करते हैं गानों की बात। तो फिल्म के अंदर टोटल 11 गाने थे। गानों को कंपोज किया था शंकर, एहसान और लॉय ने। अगर मैं गानों के लिरिक्स की बात करूं तो वो लिखे थे प्रसून जोशी ने। अब आ जाते हैं सिंगर्स पर, यानी गाने गाए थे विशाल डडलानी, रूप कुमार राठौड़, शंकर महादेवन, फिरोज खान, के मोहन, राहत फतेह अली खान, जुबीन गर्ग और अभिजीत घोषाल। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।